इनका धन्यवाद करेंगे। अभी हमारे बीच ग्राउंड बी में दर्शकगण में उतना जोश नहीं दिखाई दे रही है जितना खिलाड़ी इन नन्हे मुन्हे खिलाड़ीगण में देखने को मिल रही है। दर्शकगण कंजूस ना बने, जोरदार तालियां बजाएंगे। हमारी अतिथिगण खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करते हुए वर्सेस सेंट यूज हाई स्कूल रामपुर के बीच में दोनों ही टीमें बहुत ही शानदार खेलती हैं। दोनों ही टीमों में एक से बढ़कर एक दिग्गज खिलाड़ी मौजूद हैं। हेलो हेलो, यहाँ पर सेंट पैट्रिक की टीम को पैक की किक मारने का मौका। बहुत ही सुंदर देख सकते हैं, दोनों ही टीमें काफी स्फूर्ति के साथ अपने टीमों को स्कोर दिलाने के लिए जबरदस्त संघर्ष करता हुआ। यहां पर रामपुर के खिलाड़ी को फॉल किक करने का मौका देखना होगा, यह फॉल किक्स का उन्होंने लाभ उठा पाते हैं या नहीं। बहुत ही सुंदर यहां पर सेंट पैट्रिक के डिफेंडर के द्वारा डिफेंस करते हुए बिशप माइकल मिंज के स्मारक में फुटबॉल टूर्नामेंट के समापन समारोह के मौके पर मंच पर गुमला धर्म प्रांत के स्पीकर जनरल फादर इमानुएल कुजूर और गुमला संत पादरी उच्च विद्यालय के प्रधान अध्यापक फादर नाबोर मिंज और मंच पे आज संत पादरी उच्च विद्यालय के फादर अमृत तिर्की और मंच में विराजमान फादर प्रभु कुजूर और साथ में उपस्थित आप सभी से टूर्नामेंट किसके हाथ जाएगा ये दर्शक भी तय करेंगे और खिलाड़ी भी तय करेंगे। मैं आप लोगों के बीच में बहुत कम समय के लिए हूँ क्योंकि और जगह भी कार्यक्रम में शामिल हमें होना है, इसलिए मैं अभी मध्यांतर में ही मैं आप सभी लोगों के बीच से
दो शब्द बोल करके यहाँ से मैं चला जाऊंगा। इस टूर्नामेंट में आज इस टूर्नामेंट को और धार देने के लिए इस गुमला के पुराने एथलेटिक राम लोहरा जैसे लोग भी मंच पर हैं, गोल्ड मेडल प्राप्त करके यहाँ इस टूर्नामेंट का आनंद ले रहे हैं। ये इस खेल के मैदान में नए नए अच्छे खिलाड़ियों का ये लोग तराशने के लिए इस मंच पर यहाँ उपस्थित हैं और मंच पर इस खिलाड़ियों को तराशने के लिए नीलेश साहू जो कुश्ती संघ गुमला के सेक्रेटरी भी यहाँ हैं, यहाँ के खिलाड़ियों को तराशने के लिए इस मंच पर उपस्थित हैं। मैं आप सभी खिलाड़ी बंधुओं से कहूँगा, बालक बालिकाओं से कहूँगा कि ये खेल का मैदान में इसी खेल के मैदान से आपको इस माइकल मिंज के टूर्नामेंट को जीत करके जाना है और ये साबित करना है कि इस टूर्नामेंट के हकदार रामपुर है या संत पात्रिक, ये साबित आपको करना है। ठीक उसी तरह आप सभी छात्र छात्राएं, आज आप लोग पढ़ाई के क्षेत्र में हैं और उसी विद्यालय में आपको ये साबित करके बताना है कि पढ़ाई के क्षेत्र में कितने अच्छे हैं और कितनी हम में कमी है और कितना अच्छा हमें करना है। ये आपको स्कूल के क्षेत्र में, पढ़ाई के क्षेत्र में ये आपको तय करना है और तय करने के बाद ये साबित करना है आपको आने वाला कल के लिए कि हम आने वाले कल में शिक्षा प्राप्त करके लिखाई पढ़ाई करने के बाद समाज में एक अच्छा इंसान कैसे बनेंगे, ये भी आप ही लोगों को साबित करना है। आपको साबित करना है कि कैसे खेल के माध्यम से आज इस झारखंड से बड़े बड़े खिलाड़ियों का जन्म हुआ है, क्योंकि ये झारखंड की मिट्टी ही ऐसी मिट्टी है कि इस मिट्टी में झारखंड के नाम से पूरा हिंदुस्तान, पूरा भारत के लोग जानते हैं कि झारखंड में भी एक से एक होनहार, एक से एक काबिल खिलाड़ियों का जन्म हुआ है और आने वाला कल में भी झारखंड में एक से एक खिलाड़ियों का जन्म होगा और आप ही लोगों के बीच में से बड़े बड़े खिलाड़ियों का जन्म होगा। मैं आशा उम्मीद करता हूं कि संत पात्रिक उच्च विद्यालय, संत पात्रिक विद्यालय आज गुमला के इस गुमला शहर के इस हृदय में ये एक शान है गुमला की जिला का, गुमला जिला के शान के नाम से संत पात्रिक उच्च विद्यालय के नाम को लोग सम्मान से लेते हैं। मैं इस विद्यालय को और इस विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाओं को, इस विद्यालय के तमाम बालक बालिकाओं को, इस विद्यालय के तमाम परिवारों को हम शुभकामनाएं भी देते हैं और आशा भी करते हैं जिस रफ्तार से आप लोगों ने इस विद्यालय का नाम गुमला जिला में रोशन करने का काम किया है, ये रोशन पूरे जिले को रोशनी देने का काम करे, ये हमारी शुभकामनाएं हैं। हम उम्मीद करते हैं इस विद्यालय से, गुमला के लोग आशा करते हैं कि इस विद्यालय से अच्छे अच्छे खिलाड़ियों का जन्म हो और अच्छे अच्छे पढ़े लिखे नौजवान आने वाले कल के एक काबिल इंसान का भी जन्म ये संत पात्रिक उच्च विद्यालय देने का काम करेगा। ये संत पात्रिक उच्च विद्यालय, चूंकि ये विद्यालय ये अपना नाम भारत के हिंदुस्तान अपने भारत के हिंदुस्तान के सीना में अपने नाम को दर्ज करने का काम ये संत पात्रिक उच्च विद्यालय करने का काम किया है। वो कैसे किया है? वो खेल के माध्यम से किया है। सुब्रतो मुखर्जी कप को जीत करके, टूर्नामेंट को जीत करके इस संत पात्रिक ने अपने नाम को भारत देश के सीने में लिखने का काम किया है। वो संत पात्रिक उच्च विद्यालय ने को काम करने का काम किया है। मैं आप सभी छात्र छात्राओं को, बालक बालिकाओं को, यहाँ के अभिभावकगणों को, यहाँ के शिक्षक शिक्षिकाओं को,
विश्वविद्यालय के प्रधानाचार्य और फादर सिस्टर गणों को ढेर सारी बधाइयां देता हूं कि आप लोगों ने अपने नाम को दिल्ली जैसे भारत जैसे स्थान पर स्थापित करने का काम किया है। इसके लिए हम अपनी ओर से धन्यवाद देते हैं। मैं आप सभी तमाम लोगों को कहूंगा कि ये विद्यालय में पठन पाठन कर रहे छात्र छात्राओं से कहना है हमारा कि ये जिंदगी की सफ़र, इस सफ़र को सुनहरा बनाना आप सभी लोगों की जिम्मेदारी है। विद्यालय तो आपका जीवन का साथी है, विद्यालय आपके जीवन में एक ऐसा साथी है जो आने वाला कल में आपको एक कामयाब इंसान बनाने का साथी है। इसलिए आप सभी छात्र छात्राओं से हमारा कहना है कि आप सभी तमाम लोग अच्छा से पढ़ाई लिखाई करें और अच्छा से पढ़ाई लिखाई करके इस संत पात्रिक आप इस झारखंड से, झारखंड की गांव से निकल करके इस भारत के किसी कोने में भी अगर आप जाएंगे इस विद्यालय में पठन पाठन करने वाले छात्र छात्राएं या फिर सात समुंदर पार दुनिया के उस कोने में भी अगर आप चले जाएंगे तो शायद आपसे कोई पूछेगा कि आप किस विद्यालय, किस प्रांगण, किस गांव, किस राज, किस देश के रहने वाले हो, तो आत्मा आपको पुकारेगी और कहेगी कि संत पात्रिक उच्च विद्यालय गुमला। ये इंसान बनने का काम आप सभी लोगों को करने का काम करना है। मैं आप लोगों को कहने की इच्छा तो हमें बहुत था लेकिन समय की व्यस्तता के कारण मैं आप लोगों के बीच में ज़्यादा नहीं बोलना और नहीं ज़्यादा समय दे पा रहा हूँ। इसलिए मैं इतने कहते हुए आज के कार्यक्रम में शामिल और उपस्थित आप लोगों ने जो आज इस स्वर्गीय बिशप ये के नाम पर जो स्मारक टूर्नामेंट का आयोजन संत पात्रिक विद्यालय ने किया है, आप लोगों ने जो हमें सम्मान दिया है, इसके लिए हम आप सभी तमाम विद्यालय परिवार के सभी सम्मानित लोगों को हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं और धन्यवाद के साथ आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ ये लगातार ये विद्यालय अपना नाम इस जिले में, इस राज्य में, इस भारतवर्ष में अपना नाम रोशन करे। इन्हीं के साथ आप सभी लोगों को धन्यवाद, जोहार, नमस्कार, जय झारखंड, धन्यवाद। जोरदार तालियां बजाएंगे। में प्रवेश कर रहे हैं, हम उनका स्वागत तालियों के साथ करेंगे। व्हाइट एंड ब्लू जर्सी में है आरसी मिडिल स्कूल सोसो की टीम, येलो एंड रेड जर्सी में है सेंट पैट्रिक्स हाई स्कूल गुमला ए की टीम। दोनों ही टीम लाजवाब है, शानदार खेलते हैं। आप देख सकते हैं अतिथिगण खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करते हुए सुंदर नजारा। इसके पश्चिमी छोर में है संत पात्रिक हाई स्कूल गुमला एक टीम। दोनों ही टीमें काफी निष्पत्ति के साथ मौजूद ग्राउंड पे अपना पोजीशन लेते हुए काफी निष्पत्ति फुर्तीला के साथ पिछले मैच में इन्होंने अपना खेल का प्रदर्शन किया था। एक से एक बढ़कर दोनों ही टीमों में शानदार खिलाड़ी हैं। आप सभी
चलो मैच यहाँ पे शुरू हो चुकी है। दोनों ही टीम के द्वारा शानदार यहाँ पे शुरुआत, जबरदस्त मैच चलता हुआ फुटबॉल यहाँ पे हवा में। बॉल हवा में यहाँ पे सोसो की टीम की ओर से। दोनों ही टीम शुरुआत से ही बहुत ही आक्रामक तरीके से यहाँ पे खेल रहे हैं। लाजवाब में मैं हमारे खेल आयोजन समिति के द्वारा हमारे गुमला रेसलर फेडरेशन के चेयरमैन सर नीलेश साहू को फूल उड़ाकर उनका स्वागत करेंगे। जोरदार तालियां बजा देंगे। इस तरह से मोमेंटो देकर उन्हें स्वागत किया जा रहा है हमारे सेंट पैट्रिक हाई स्कूल के प्रिंसिपल के द्वारा। इन्होंने बहुत ही बहुमूल्य समय निकालकर हमारे इस टूर्नामेंट मैच पर आकर अपना योगदान दिए, इन्हें बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबको पता होगा सर नीलेश साहू हमारे विद्यालय के प्रोडक्ट हैं, यही उन्होंने पढ़ाई की और अभी वे बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं कुश्ती के क्षेत्र में। कुश्ती एसोसिएशन गुबला के सेक्रेटरी हैं और स्टेट लेवल में भी वे सिलेक्शन कमेटी के मेंबर हैं, तो हम इन्हें बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और उनके इस अच्छे काम के लिए हम शुभकामना अर्पित करते हैं। ईश्वर उन्हें अच्छा स्वास्थ्य दे, अच्छी शक्ति और बुद्धि दे ताकि वे इस जिम्मेदारी को बाखूबी आगे निभाते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ पुनः हम सर जी का बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं। पैट्रिक वर्सेस सोसो की टीम के बीच में काटों का टक्कर का मैच। ये गेम मिलियस के पास रेफरी के द्वारा यहाँ बहुत ही सुंदर अवसर यहाँ पे पैट्रिक को अपने टीम को स्कोर बढ़त दिलाने के लिए, लेकिन देखना होगा क्या सोसो की टीम यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर देखते ही देखते बॉल पोस्ट लाइन से बाहर और सेंट पैट्रिक की टीम को कॉर्नर की करने का मौका। देखना होगा कि कॉर्नर को हाफ बॉल के नाम से भी जाना जाता है, देखना होगा कि सेंट पैट्रिक की टीम इसे पूरा करने में कामयाब हो पाते हैं या नहीं। अभी तक दोनों ही टीमें बराबरी का मैच चलता हुआ। बहुत ही शानदार शॉट यहाँ पर, लेकिन बॉल साइडलाइन से बाहर। जर्सी नंबर 16 सेंट पैट्रिक की टीम की ओर से बहुत ही सुंदर यहाँ पे कॉर्नर किक देखने को मिली थी। यहाँ पे सोसो की टीम